जल्दी आओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं हम दोनों आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई अभी ऋषिकेश में ही है, अभी थोड़ा सोच रहे हैं थोड़ा और आगे जाने का, देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और थोड़ी देर पहले देखो कितनी तेज आवाज आई थी भाई। हम तो सो रहे थे आराम से, अभी उठे एकदम अलार्म था भाई, एकदम से गुड़ 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 हमें मिले भाई, गंगा ऊपर आ गई गए अब तो। मतलब एकदम से डर सा लगता है ना, क्योंकि हमने इतना हम पहाड़ों में इतना रहे नहीं है, बट इतनी तेज आवाज आई गुड़ गुड़ गुड़, हम एकदम डर गए भाई क्या होगा। बता रहा हूँ फील आया इसमें, ठीक है। और सामने दिखाता हूँ आपको। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हम सो रहे थे और सामने ही उठते ही ये पर्दे हटाने के बाद ये व्यू आ रहा था भाई साहब। आप देख सकते हो सामने बादल ही बादल आपको दिख रहे होंगे, पर अभी बारिश भी हो रही है बहुत, मतलब धीमे धीमे, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, बड़ा सेक्सी सा। और इधर से खोल के जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप बारिश देख सकते हो, आवाज सुन सकते हो, और ऊपर उस साइड देखो यार बादल ही बादल दिख रहे हैं। कैमरे में फिर भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट रियल व्यू उसका बहुत ज्यादा प्यारा आ रहा है। यहाँ आके आप गंगा भी देख सकते हो। इधर आगे मेरे को थोड़ा डर लगने लग जाता है, क्योंकि अंकल बोल रहे थे टूटा हुआ है, इसके आसपास जाना, इसके ऊपर मत जाना, नहीं तो सीधा नीचे जाओगे, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे। और आप ये देखिए गंगा कितनी प्यारी लग रही है भाई, बहती हुई, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई उत्तराखंड में। गाइस वैसे यूजुअली मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट अभी इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि भाई बाहर आया हूँ और पार्ले जी जी माने जीनियस 18% एक्स्ट्रा इसमें डुबो डुबे खाऊंगा, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्रमोशन कर रहे हो क्या इसका? हाँ तो गाइस अगर आपको ये पार्ले जी खरीदना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके बाय कर लीजिए। तू नहीं पी रही है चाय? चाय नहीं पी रही। क्यों यार? पीता तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो डुबो डुबे खाऊंगा थोड़ी सी बस। ओके बेटा, ना नाव मिलेगी ना तो मिलेगी, राफ्टिंग करेगी, बंद हो गई ना इस टाइम, बहुत ज्यादा बहाव हो जाता है गंगा का यार, देख के डर लगता है, देख के ऐसा लगता है कि भाई दूर ही रहो इससे। हाँ क्या पहन रही है? गले का है। सब टाइम हो गया है निकलने का, बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, चलेंगे सड़क गाड़ी में। उसके बाद हमने सोचे अभी प्लान बनाया आज रुकेंगे कैंप में, रुकेंगे थोड़ा सा पहाड़ का भी मजा लिया जाए, कैंप का भी मजा लिया जाए, आपको दिखाते हैं और चलते हैं, है ना। तो कैसे कैसे रास्तों से निकाल रहे हो महाराज? दिल धक धक करा दिया तो मैंने लगा कई गाड़ी में स्टार्टिंग में चली जाती है, थोड़ा थोड़ा आगे लेते हैं भाई, तो उसमें स्टॉप देते हैं ना, अभी माई जाए माता दी हो जाती है। अरे यार आगे रास्ते भाई साहब बहुत डरावने हैं यार। आ गया क्या? आ गया क्या भैया? आ गया यहाँ पे लगा साइड में, यू टर्न है तो बता कर घुमा। अच्छा वो रहे ना कैंप, हाँ आ जाओ भाई, देख सकते हो यहाँ पे हम उतरे हैं, तो पीछे सारे वो कैंप ही कैंप है, अभी देख के आते हैं, अगर पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और ऊपर देखेंगे, आगे के डिसाइड करेंगे कैंप देखने के बाद। चले भाई आ जाओ, आ जाओ मैडम, तू भी पूरी तैयार हो गया ये तो। ये मतलब जितना रेट बता रहे हैं ना हिसाब से है नहीं पहली चीज, और दूसरी चीज सारे लोंडे लपाड़ रही हैं, फैमिली मेरे को ज्यादा दिख नहीं रहा, तो कंफर्टेबल ज्यादा हो नहीं पाएंगे हम। टेंट वेंट ये सारे तो बुक पड़े हैं उधर, उसमें ही बोल रहे हैं, और उधर सारे वैसे लड़के बैठे हुए हैं, लड़के होंगे और इन्जॉय करना है अपने, थोड़ा होता है ना। हाँ वही 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 तो, पीने खाने में तो बदतमीजी होते हैं ज्यादा। अभी कहाँ जा रहे हैं? दूसरा कैंप देखने। दूसरा कैंप देखने, चलो फिर आ जाओ, पैदल पैदल चलना है, भैया बोल रहे थोड़ा सा ऊपर जाके है, थोड़े अच्छे हैं तो वो देख के आते हैं। हाँ वही इतना सीन सही नहीं होता, और बाकी हरियाली आप देख सकते हैं इतनी प्यारी प्यारी प्यारी, वो देखो बादल की तो नहीं पास लग रहे पीछे। रुक जाओ पहले वो करेंगे ना, अभी वो गाड़ी निकलनी है, वो तो कह रही हूँ अभी है जगह यार, ढलान पे थोड़ी ना चढ़ाई है पीछे तो। चलो 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 भाई, यहाँ के रास्ते से इतना डर लग रहा है ना मत पूछो, बिल्कुल ही छोटे छोटे, सामने आ गई तो बसड़ी हो जाएगी, कहाँ ले गए इसको रखे। ये देखो भाई सब पहाड़ देखो ऊपर से, चट्टान लग रही है इस साइड खाई, इस साइड खा, ओ भाई उस साइड खाई है। जल्दी आओ, कह रहे पुल कमजोर है ये, जल्दी आओ। ये कह रहे थे पुल कमजोर है ये, गाड़ी गिरने का डर है। बच गए थोड़े से, घुमा के लाओ, बैठो जल्दी बैठो। आप ट्रैफिक देख सकते हो यहाँ पे पूरा, यहाँ से भरा हुआ है, पीछे देखिए आप पीछे पूरा है,
और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं शिवपुरी, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है और 20 मिनट का रास्ता है। बट वहाँ पे हमें अच्छे अच्छे कैंप देखने को मिलेंगे और पूरा वो वहाँ पे होगा जंगल के बीचों बीच, है ना भाई? क्योंकि अब आए हैं तो अच्छी जगह रुकेंगे ना। हमने सोचा पास में मिल जाए तो ठीक है, पर पास में वो बातचीत नहीं आ रही हमारे लिए जो हमें चाहिए। बट अब थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं। एंड गाइस अभी एंट्री करवाई हमने, जो हमने ई पास वगैरह बनवाया था वो यहाँ पे चाहिए था। बट अब सीन पता है क्या हुआ, अभी एक भैया से थे तो वो बोले कि भाई हमें जाना है, तो पुलिस वाले ने बोला बिना ई पास और बिना कोरोना रिपोर्ट आप नहीं जा सकते। तो वो बोले पैसे वैसे ले लो। तो भाई साहब वही पे उसमें दे चौटी तरह मोटे लटता मार रहे थे, बड़ा वोट देगा तुमने? देखा मैंने वो भाई साहब भर भर के। हम तो भाई बहुत प्यार से बात उत्तराखंड पुलिस है, यहाँ पे रिश्वत देना अलाउड नहीं है मेरे हिसाब से। पिटाई लगती है बहुत वाली। क्या बोल रही है? हाँ हम तो लीक, हमारे पास सब कुछ है ना भाई साहब। व्यू देखो कर रहे हो? ओ तेरी इधर आ जा, साइड हो जा भाई साहब। गाइस आप सामने देख सकते हो वहाँ पे हम, वो हमारे कैंप है बादलों के सामने। बिल्कुल बादलों के सामने वहाँ पे रहेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। गंगा के सामने, मैं एक्साइटेड हूँ यार। और ये यहाँ पे भाई भाव देखो गंगा का भाई साहब, तो देख कर डर लग रहा है मेरे को तो। गिरा दो ओए। और ये हम पहाड़ों में और कोरा ही कोरा, और अभी हम जा रहे हैं अपने कैंप में। ये रहा हमारा ब्रिज, और यार देखो बादल इतना मतलब प्यारा सीन हो रखा है, गंगा पूरी उफान पे है। ये सारे जा रहे हैं पता नहीं क्या लेके। पापा हाँ? एक बार ये सर पे रख लेंगे नहीं? वाओ आवाज सुनो यार, ब्रिज कितना प्यारा बना हुआ देखो। ब्रिज तो प्यारा बना हुआ है, कितना प्यारा सीन है भाई साहब। इसमें नहीं दिख रहा पर वो आंखों से जो रियलिटी में दिख रहा है ना वो बहुत तगड़ा है। तो इधर से नीचे देख, नीचे देखा तो डर सा लग रहा है। हाँ अगर ये टूट गया तो गए हम। ऐसे कोई टूट गया ऊपर तक आ गया था। आज तो नहीं आएगा, आ जाए मजा आ जाएगा। तो यार यहाँ का रास्ता ही देखो भाई कैसा सा है, बहुत ही डिफिकल्ट है, और ऊपर जाके फिर टिल्ट है। हमें क्यों रुक गई? आजा पकड़ जल्दी बोल बम 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 आजा। अबे तू ये वाले शूज क्यों पहन के आई है फिर? अबे बैग पकड़ू तेरे को, पकड़ू आजा बैग लेके ना, दोनों को एक साथ पकड़ के ले चल। देखना आराम से पकड़ के बैग छोड़ दो नीचे। वो बोले कैंप यार बंद है क्योंकि यहाँ वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो रखा है और गड़बड़ में हो जाए रात को पानी ऊपर ना आ जाए, इसलिए जो हम कैंप बता रहे थे वो बंद है। हम ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, वो खुद नहीं पता। तो ये बादलों में हमारा कैंप आ चुका है, ये है हमारा व्यू पॉइंट, वो है हमारे कैंप। लास्ट थोड़ा सा हमको पसंद नहीं आए, आई होप इतने दूर से आए हम, अब ये तो पसंद आ जाए। बट उससे बहुत बेटर लग रहे हैं ना। कैसा लग रहा है कैंप भाई? फौजी वाला फील आ रहा है यहाँ पे। ये भी सही है, देखता नहीं है बेचारा, देख ले भाई। और गाइस यहाँ पे व्यू देखिए भाई साहब, सबसे प्यारी चीज तो यही लगती है भाई यहाँ पे, ये देखो ऊपर। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे। ओए फोन छोड़ दे यहाँ तो। ये देखिए ये हमारा टेंट है, कैंप है, और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और सामने देखिए व्यू भाई साहब, अलग ही फीलिंग है यहाँ पे आके भी, मजा आता है काफी यार। पीछे वाटरफॉल है बट वहाँ पे भी पानी साफ नहीं आ रहा देखेंगे। और ऊपर देखो यार बादल बादल ही बादल बादल ही बादल, गंगा के ऊपर भी देखो, और वहाँ पे सामने आप देख पा रहे हो वहाँ पे गंगा जा रही है बहुत तेज। वैसे हम सोच रहे थे नीचे से लेने का, बट नीचे बोल रहे हैं कि खतरा है, कभी भी पानी ऊपर आ सकता है, कल परसों भी ऊपर तक आ गया था। तो अभी हम इंजॉय करते हैं हमारी जैम ब्रेड एंड चाय कॉफी है, चाय, चलो चाय पियेंगे। चलती है सुबह वर्कआउट होता है, शाम को वर्कआउट होता है, फिर दिन में सोना भी होता है, पूरे दिन डाइट भी लेनी होती है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं चला पाता जब, इसलिए ज्यादा रिप्लाई आप लोगों से नहीं पाता। लाइव आ रखे हैं तो अगर आप भी इनसे बात करना चाहते हो तो फटाफट जाके फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो भाई स्विमिंग करने के बाद लगी है मैं भूख, अब खाएंगे क्या क्या भाई बताया ना नितिन? ये अपना ये दाल सैलेड हो गया, रोटी हो गई,
और ये सब्जी, आलू की आलू की सब्जी, चावल और दाल। ओए होए, तो ये सीधा उठा के लेके चलते, चलो सीधा उठाते हैं। अच्छा उसमें डाल लो सबका, है ना, एक एक प्लेट में डाल लो अपना, बाकी वहाँ रख देते, फिर निकाल लेंगे, देर देर उठा के खा लेंगे। इनमें डाल लो, टेस्ट कर लो, कोई खाए ना खाए। बढ़िया, चलो मेरे को तो लग रही है। अरे दही नहीं है क्या? दही भाई पूछो, दही अंकल, दही होगा क्या? दही मंगवा दो यार। भाई मेरे को तो लग रही है भूख, मैंने तो अपना खाना स्टार्ट कर दिया, तू भी कर ले भाई। नितिन कैसे लग रहा है खाना? ठीक है भाई, बढ़िया है, पहाड़ी खाना है। हां मजा, देसी वाला फील आ रहा है बिल्कुल, यहीं पे बना के देते सब कुछ, बढ़िया था। रायता आ गया, मैं बिना रायता तो मेरा पेट नहीं भरता, ले आया भैया। क्या बात है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। थैंक यू रविंदर भाई, मजा आ गया यार, रायता ले आया तुम भाई। नाखून खाना छोड़ दे। तो गाइस अभी उठे थे और उठने के बाद व्यू देखो भाई, अभी थोड़े पूरे दिन बारिश हो रही थी, बट जैसे ही शाम हुई, टाइम मेरे ख्याल से कितना हो गया, यहाँ पे 6:14 हुए हैं, और देखो पीछे पूरा धूप निकली हुई है उस साइड, और मौसम बिल्कुल साफ हो गया। अब वीडियोस एंड फोटो बनाने में हमें फोटो खींचने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पहले तो टिप 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 बारिश हो रही थी, उसका मजा भी हमने ले लिया, फिर उसके बाद जो नॉर्मल व्यू है इसका मजा भी ले लिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहां पे आवाज सुन रहे होगे आप, धीरे धीरे मैं चुपाऊंगा तो झरने की बहने की, देखो सुनो, आई होप आई होगी। बाकी यार बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम भाई चाय वाय की भी डाला करो ना, ऐसे जैसे कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, उसमें क्या बोलते हैं, रील्स पे। हाँ रील्स पे डाल, लवर वावर ये टैग होती है ज्यादातर। मैगी बन रही है, मैगी बनवाने के लिए भेज दिए भाई, तो ये मैगी खाएगी, हम अपना चाय मैगी नहीं खाऊंगी ना, खाऊंगा आपने कहा ये मैगी खाएगी, मतलब इसके साथ चाय नहीं पी रही ना, चाय और मैगी कैसे कॉम्बिनेशन रहेगा, चाय तब तक खत्म हो जाएगी। ये हमारे जीवाने जीनियर्स खाएंगे, आ जाओ, आपको बहुत जरूरत है, आपको ऐसी बहुत जरूरत है। ऐसे डुबो डुबे कौन कौन खाता भाई, मेरे को तो ऐसे मजा आता है, सबसे बेस्ट पार्ले जी ही लगते हैं, और कोई बिस्किट नहीं लगते। तो कल्पना आ गई तेरी मैगी, इस यहीं पे रख दो भैया, हो जाएगा काम, चल जाएगा हमारा, थोड़ा सूख का इधर कर लो तुम। तो गाइस यहाँ पे हमारी मैगी आ चुकी है, और ये देख यहाँ पे मैगी और सामने व्यू, बस यही तो चाहिए जिंदगी से। चलो डाल भाई तेरी मैगी आगे, फटाफट खा ले अपनी मैगी। मैगी चिल्ला रहे हो सुबह से, क्या करना है किसका? खीरे का, खीरा का तुम जानो, खीरा देख दिखाओ तो। अच्छा हाँ, खीरे की बनेगी चाट, चाट मसाला डाल के, है ना, चलो खाओ। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, होपफुली आपको मजा आया होगा, और हम ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग आप पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा डालें, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई को सपोर्ट करने के लिए, हमें, मेरे को, कल्पना को, मेरी पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मिलते हैं कल।